मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं रावत विधायक जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान का एक फोटो में छेड़छाड़ कर उसे ट्वीट कर दिया। ट्वीट करते ही जैसे ये बीजेपी नेताओं के हाथ लगा, उन्होंने पूरे मुद्दे को बनाते हुए डीआईजी की से मुलाकात की और जीतू पटवारी की शिकायत की। वहीं जीतू पटवारी पर बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिसके कारण उन्होंने इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के फोटो को छेड़छाड़ कर ट्वीट किया है। वहीं डीआईजी से मुलाकात के दौरान इंदौर के बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक रमेश मेंदुला, सांसद शंकर लालवानी एवं पूर्व महापौर मालिनी गौर सहित कई बीजेपी नेता मौजूद थे। सभी ने इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से शिकायत की और उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। वहीं इंदौर डीआईजी ने भी बीजेपी नेताओं से मिली शिकायत पर जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वहीं बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वह जल्द ही विधानसभा में भी मुद्दा उठाएंगे और जीतू पटवारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग करेंगे। गौरव रणदिवे नगर भाजपा अध्यक्ष हैं, उनने एक FIR की है, उसमें उनके द्वारा जीतू पटवारी विधायक उनके खिलाफ FIR की है। उसमें जो मेन इंक्रीडेंट थे वो एक तो जो जन भावनाओं को भड़काने वाला और फोटो टेम्परिंग करने वाला, उसमें धारा जो है 464 188 IPC के तहत केस रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी विवेचना की जा रही है। सर ITAG भी लगाया 567? नहीं, अभी विवेचना में प्राथमिक दृष्टि से 188 464 और 469 ये अपराध पंजीबद्ध हुआ है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। क्या होता है इनका 188 में जो है कलेक्टर साहब के निर्देश हैं, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं करेंगे जिससे जन भावना भड़के, और 464 में जो टेम्परिंग का है वो अपराध बनता है, इन्हीं धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वो तो सोशल मीडिया पे चली थी, आप सब लोगों को मालूम है।